परिषद में मेरे साथी इसी सूबे के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और आज के कार्यक्रम की रूह जिसको कह सकते हैं, ऐसे घाटी में बसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज यहां पर आया हूं 5 अगस्त 2019 को हमने एक फैसला किया था, वो फैसले के बाद पहली बार आया हूं, और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सब साथियों को, मीडिया हजरात को का वेलकम करता हूं। मैं अपने तमाम साथियों का, मेरे तंजीम के यहां बैठे हुए सूबाई नायब सदर एडवोकेट नज़ीर साहब, शिराज अजरी साहब प्रोवेंशियल सेक्रेटरी इंचार्ज मेंडर सेगमेंट, जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी जनाब साहिद साहब के इंचार्ज जनाब मुश्ताक चौधरी साहब, टेरिटोरियल कंसल्टेंसी के निज़ाम साहब और जितने भी मेरे यहाँ साथी तंजीम के बैठे हुए हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। और आप सब हजरात का मैं शुक्रिया करूँगा कल के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की रैली में, जो एक विशाल रैली मेंडर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंडर ने। किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा जारी करो, जारी करो, जारी करो। किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। नहीं करेगी, नहीं करेगी। किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दो। जो सरकार इंसाफ दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार देखिए, ये मौसम बरसात होने की वजह से और ओले पड़ने की वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारी जगहों पे जाकर हमने खुद भी देखा है कि भारी नुकसान की वजह से किसान बहुत परेशान है, मायूस है, निराश है। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस नुकसान की असेसमेंट की जाए और जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान किया जाए। यही किसान है जिसको अन्नदाता हम कहते हैं, यही पालता है। जो टोर्नेडोज टीम है, ये विश्व विख्यात टीम है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग टीम है, और ये एक अफसर और 10 जवान की जो टीम है, ये भारतीय सेना के करेज और ग्लोरी को सिग्निफाई करने के लिए इस एक्सपेडिशन पे जा रही है। ये श्रीनगर से होते हुए कारगिल, द्रास, ले होते हुए सियाचिन बेस कैंप तक जाएगी और वापस पांग के रास्ते से शिमला, चंडीगढ़ होते हुए
न्यू दिल्ली में हमारे वॉर मेमोरियल तक जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपीडिशन के द्वारा हम अपने जितने भी गौरवशाली लोग हैं उनकी स्मृति में जहाँ जहाँ भी वॉर मेमोरियल्स है वहाँ ये लोग अपनी श्रद्धांजलि देंगे। थैंक यू सर। सर सामने देखिए। पटपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भगवतुण्ड महाता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे गौरी नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेनंबल पंचायत में खड़ा हूं और यहां पे जैसे ही मैं आया तो मुझे यहां पर पता चला कि पिछले 30 दिन से यहां पर जो है वो बिजली बंद है। हमारा जिस रोड से मैं आया हूं, अगर आप उस रोड की हालत देखो, हमारे लोगों को यहां पर इस तरीके रखा हुआ है कि ये आज 1947 का जीवन जो है वो जी रहे हैं। आप रोड की हालत देखो, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखो, बिल्कुल डिफंक्ट है। और आज मैं जैसे यहां पर पहुंचा हूं तो मुझे लोगों ने बताया कि यहां पर जो ये ट्रांसफार्मर है ये पिछले 30 दिन से जो है यहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, ये डैमेज है। वी हैव अप्रोच सो मेनी टाइम्स टू पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और उन्होंने अभी तक इसकी कॉग्निजेंस नहीं ली है। हमारे लोगों ने कई बार जो है वो फोन कर बिजली विभाग के लोगों को बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये कई दिनों से खराब पड़ा है, हमारे लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ के कम करो एलपीजी गैस की कीमतें कम करो, कम करो जी, कम करो। आज हम सारे यहाँ पे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में, एलपीजी गैस की कीमतों के विरोध में आज जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर हम सब मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बोल रहे हैं कि आपकी सरकार हर रोज पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतें
बढ़ाती चली जा रही है और अब 30 रुपए लीटर का पेट्रोल 110 रुपए लीटर बेच रहे हैं और उसमें भी एथेनॉल मिलावट करके। हमारा ये आरोप है कि आपकी सरकार ने जो अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था वो सब झूठे हैं, खोखले हैं और अब हर रोज गरीब इंसान का खून निचोड़ते चले जा रहे हैं।